गाइस आप देख रहे हैं छठ मैया का मेला लगा हुआ, कितना जबरदस्त। हम ऊपर से आपको व्यू दिखा रहे हैं, बहुत जबरदस्त व्यू देख रहे हैं जो कि अभी हमारे। तो हम आपको जो है बढ़ाई तालाब में लाए थे जब छठ मैया का मेला लगा रहा, तो आप मेरे पीछे देख रहे हैं छठ मैया का मेला, कितना जबरदस्त मेला लगा हुआ छठ मैया का। गाइस आप देख रहे हैं छठ मैया का मेला, तो आपको दिखा रहे हैं चारों ओर का व्यू। यहीं से हम एंट्री करते हैं अंदर छठ मैया के लिए, मेले के लिए सारे आए, कितनी जबरदस्त भीड़ लगी हुई सारे लोग। तो आप ये देख रहे हैं सामने छठ मैया की पूजा चल रही है, और पूरी फैमिली में आए हो। तो हम पानी के अंदर खड़े हुए थे, तो आपको दिखा रहे हैं ये पूजन चल रहा है इस टाइम। और क्या नाम है आपका? पुरुषोत्तम झा। तो ये छठ मैया की पूजा किस लिए की जाती है और क्यों मनाई जाती है? ये इसलिए दीनानाथ का होता है, जिसको जैसे खुशी होती है बाल बच्चे के लिए, अपने मतलब पूरा परिवार सबके लिए बनाए जाते हैं। अच्छा जी, तो इसका व्रत कैसा होता है? व्रत तो इसका कम से कम आपको ये कल का खरना था, कल 24 आवर्स ऐसे रहे, आज भी 24 आवर्स ऐसे रहे, कल सुबह खाना खाएंगे, भूखे रहेंगे एकदम। अब ये फिर सुबह किस टाइम? कल सुबह यहाँ से जाने के बाद तब इनका खाना होगा। तो क्या नाम है आपका? मेरा नाम है चंचल झा। चंचल झा जी, तो जो आप भजन सुना रहे थे, एक बार भजन सुनाइए छठ मैया का। जय ये किसी की पूजा हो रही है, ये क्या लगा रहा, गन्ने का मीनिंग होता है? ये कोसी बोलते हैं इसको, ये 24 गन्ना होता है, और हाथी है, कुणसर है, कोसी है। अच्छा। इसमें सारे आइटम लगता है पूजा का सब। हाँ जी हाँ जी, हाँ जी हाँ जी, अब दीप जलाएंगे जी जी जी। छठ मैया का जो है मेला लगा हुआ है, उसके अंदर बहुत सामान प्रसाद का लगा रखा है इन्होंने, बहुत जबरदस्त है पूजा का, बहुत जबरदस्त छठ मैया का मेला देख रहे हैं। तो आपको चार बजे कितनी भीड़ होगी, आपको थोड़ी देर पहले हमने लगा उसका भीड़ देखी, आपको बहुत ज़्यादा भीड़ होगी छठ मैया मेले की। पुरातन सरोवर गाइस, ये भोजपुरी समाज के जो है सेवादार हैं सारे, इन्होंने जो है ये छठ मेला लगा रखा है। किसी कारणवश हमारा जो है माइक खराब हो गया था, उसकी आवाज़ नहीं आ रही थी, तो हम इनकी खाली वीडियो दिखा रहे हैं। ये सारे सेवादार हैं भाई, थोड़ी देर में विधायक जी आएंगे, तो विधायक जी की भी आपको वीडियो हम दिखाएंगे। नरेंद्र गुप्ता जी हमारे बीच में आ चुके हैं, और इनका जो है स्वागत किया जा रहा है। नरेंद्र गुप्ता के साथ जो है सचिन भी आया हुआ है, साथ टोनी पहलवान भी आया हुआ है। तो ये छठ मैया का जो मेला लगा हुआ है, मेले के अंदर आए हुए हैं, तो ये नरेंद्र गुप्ता जी का जो है स्वागत हो रहा है बहुत ज़बरदस्त। तो आप चारों व्यू देख रहे हैं, दिखा रहे हैं हम आपको यहाँ और चंद्रशेखर जी स्वागत करेंगे। तो गाइस आप देख रहे हैं छठी मैया का मेला, तो तालाब के अंदर कितनी भीड़ हो गई, शाम हो चुकी है, और 5 बजे आप चारों ओर का व्यू देख रहे हैं, और एक से बढ़कर एक आपको दिखा रहे हैं तालाब के अंदर हमारे बढ़ाई। चारों ओर का हम आपको व्यू दिखा रहे हैं, कितना जबरदस्त व्यू बना हुआ है, और जहाँ तक नजर डालोगे वहाँ भीड़ ही भीड़ नजर आएगी आपको। और ये पानी में भी खड़े हुए पूजा कर रहे हैं, और डूबते हुए सूरज को जो है जल दे रहे हैं। तो आपको हम दिखा रहे हैं ये सूर्य देवता जो है इसके अंदर विराजमान है। पुरातन सरोवर नानक सर पातशाही छेवी देख रहे हैं आप। पुरातन जबरदस्त छठ मैया का मेला लगा चारों देख रहे हैं। तो अभी जो है टाइम 4:50 हुए हैं, 5 बजने वाली हैं अभी, जैसे अंधेरा होगा तो सूरज देव को जल देंगे सारे। और जो कि यहाँ छत पे लाने में हमारे भाई ने हमारा बहुत साथ दिया है, इन दोनों भाइयों ने भाई इनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, भगवान को बनाए रखे। तो आज छठ मैया जो है सबकी मनोकामना पूरी करेगी, साथ आपकी भी करेगी। तो आप चारों ओर व्यू देख रहे हैं, बहुत जबरदस्त भाई, ढोल बाजे नगाड़ों के साथ धूमधाम से मनाया जा रहा छठ मैया का पर्व। पुरातन सरोवर गाइस देख रहे हैं छठ मैया। गाइस अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा हो लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलना, तो आप बने रहो मेरे साथ।